हाँ 3 साल पहले हम लोग शादी किए इसी मंदिर, यहाँ इसी मंदिर में आप लोग शादी किए थे। अरे आप बोल रहे तलाक, तलाक आप क्यों देना चाह रही हैं? अरे बच्चा नहीं हो रहा है तो हम तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना। हाँ भाई क्यों नहीं, वही बोल रहे हैं डॉक्टर दिखाए हैं मुझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम बोले हम और किसी भी डॉक्टर को हम नहीं दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, 3 साल पहले यहाँ पे शादी किए हैं हम, मेरा घर छोड़ के यहाँ पे आए, तो मेरा घर छोड़ के आया था ना। ठीक है तो आप तुम्हें अब यहाँ से आप किसी और से शादी करोगे? हाँ हम किसी और से। 3 साल इसके साथ में रहो, 4 साल हाँ, किसी और के साथ में रहोगे, शादी कर लेंगे आप जाइए। मैं हाथ लगा रहा हूँ, मैं हाथ लगा रहा हूँ, मैं हाथ लगा रहा हूँ, हाथ लगा दिए बता क्या करेगी। तेरे सामने कोई गैर लड़का होके हमको हाथ लगा रहा है इसमें, ये प्यार करती है? गलती भी तो तुम्हारी है ना। गाइस हम लोग कहीं जा रहे थे और पता नहीं एक लड़की है और एक लड़का है, बाइक से हम लोग जा रहे थे, आप सब लोग साथी में हैं और मंदिर पे लोग कह रहे हैं लोग क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो भी मंदिर पे, हनुमान जी का मंदिर है रास्ते में पड़ता है। तो गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को क्यों झगड़ा कर रहे हैं, देखो किस पे झगड़ा कर, इधर पूरा सन्नाटा एरिया, एक मंदिर है इधर, घर में बगल बगल घर और है। गाइस चलते हैं, क्या बात है। मेरा तो बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो ये तो चलो डॉक्टर के पास चले, उसके पास सलूशन लेते हैं हम। नहीं हमको बस दूसरा शादी करना। अरे का है हम, देखो हम कमाता नहीं का, नहीं सब कुछ जो कर रहे हैं आपके लिए तो कर रहे हैं ना। तुम बहुत अच्छे हो लेकिन हमें तलाक चाहिए बस और कुछ नहीं। क्यों चाहिए, ऐसे मत करो यार, मेरा मर्जी। हम तो बोले ना कि हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं बोलना चाहिए, मतलब तलाक चाहिए बस तलाक चाहिए। देखो इसी मंदिर में आके हम लोग शादी किए 3 साल पहले, ठीक है, और आके बोल रहे हो तलाक चाहिए इसी मंदिर का। वो तो पता है लेकिन बच्चा तो मेरा नहीं हो रहा है ना, तो ये तो तुम्हारा तो गलती हो सकता है ये। अरे हम दोनों जाके डॉक्टर के पास सलूशन तो ले सकते, मेरा गलती नहीं तो तुम्हारा भी तो हो सकता है ना। नहीं मेरा कोई गलती नहीं हो सकता है क्योंकि हम पूरा डॉक्टर दिखाए है, मेरा कोई इशू नहीं है। अरे वो दूसरा भी डॉक्टर है ना। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब आपका, क्या मतलब आपसे यहाँ पे क्या लेना देना है, हम लोग का हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं तो भाई एक बात बताओ, मंदिर के सामने आप लोग खड़े हो गए झगड़ा कर रहे हो, क्या मतलब है, बोल रहे हो कि यहाँ पे शादी करे ये करे वो करे, क्या मतलब है इसी मंदिर पर हम लोग शादी किए, ठीक है, ये बोल रहा अभी तलाक नहीं, नहीं 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 आप बोलिए ना आपको क्या बात है। तो मैडम सुनो आप बताओ, यहाँ पे मंदिर के सामने झगड़ा कर रहे हो हाँ, तो ये हम लोगों का आपस का मैटर है, आपसे क्या मैटर है, क्या मैटर है, क्या मैटर है, क्या मैटर है। देखिए यहाँ से हमको तलाक चाहिए, ये सभी मैटर है, और तो तलाक तलाक यहाँ पे मंदिर में तलाक होता है। बात कर रहे हैं ना, बोलिए बात, क्या बात, क्या बात कर रहे हो आप, साथ हम बात कर रहे हैं तो आप क्यों बीच में बात, हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है बात करो आप, तो बात तो बोल रहे कि बस तलाक चाहिए हमें और कुछ। अरे तलाक क्यों चाहिए, तो तलाक चाहिए तो शादी क्यों की है हमसे, तो 3 साल हो गया मेरा बच्चा नहीं हो रहा तो हम तलाक नहीं देंगे। अरे प्रॉब्लम तो तुम्हारा भी तो हो सकता है ना। हाँ तो ठीक है हम नहीं चाह रहे हो और ये रिश्ता हम नहीं रखना चाह रहे, ये किसी दूसरे को पसंद आ गया था, वो किसी भी दूसरे को पसंद नहीं आया है। अच्छा मैम एक बात बताइए, आप तलाक इनको क्यों देना, भाई ये क्या आपके वाइफ है? हाँ मेरा वाइफ है, 3 साल पहले हम लोग शादी किए इसी मंदिर, यहाँ इसी मंदिर में आप लोग शादी किए थे। अरे आप बोल रहे तलाक, तलाक आप क्यों देना चाह रही हैं? अरे बच्चा नहीं हो रहा है तो हम तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना। हाँ भाई क्यों नहीं, वही बोल रहे हैं डॉक्टर दिखाए हैं मुझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम बोले हम और किसी भी डॉक्टर को हम नहीं दिखाएंगे। अच्छा ठीक है आप इनसे तलाक लेके क्या करोगे? अकेले ही रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे हम। तो आप फिर तलाक क्यों ले रहे हो भाई, इनके साथ भी तो रह सकते हो ना। नहीं, बोल रहे हम नहीं रहेंगे, तो 3 साल हो गए बाहर जाएंगे, अच्छा नहीं दे पा रहे तो हमको ऐसे नहीं रखना है रिश्ता और कुछ नहीं। तो मतलब आपका कहने का क्या मतलब, जब इनसे रिश्ता नहीं रखोगे तो साफ साफ इतना बात बोल रहे हैं तो आप बोलिए ना, आप कौन होते हैं, सोल्यूशन है हर एक चीज का सोल्यूशन है। आप भगवान के सामने खड़े होकर झगड़ा कर रहे हो, बोल रहे हो कि यहाँ पे हम शादी किए यहीं पे आपको तलाक, तो भगवान के घर पे आप तलाक क्या मतलब है भाई, आप उनके सामने आगे झगड़े कर रहे हो। वो बच
सही है, नहीं हमें हाथ मत लगाइए ठीक है, हमसे हम बोले ना कि एक बार रिश्ता नहीं रखना है तो रिश्ता नहीं रखेंगे, मतलब हमको और कुछ भी बात नहीं करना है। अरे क्यों तलाक चाहिए तुमको? ये भैया को क्या आप लेके आए हैं, मतलब कि यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए क्यों परेशान कर रही है हमें? तुमको तलाक हम लेके आए तो यहाँ पे अंजन? हेलो हेलो, पहला बात है ना, ना मैं इनको जानता हूँ ना मैं आपको जानता हूँ। मैं जा रहा था कहीं पे, आप लोग दोनों को देखा लड़ते हुए तो मैं आया। नहीं पहला बात ये है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, कोई भी बंदा का हक है यहाँ पे आना का, ठीक है? यहाँ पे हम लोग जैसे भी शादी किए हैं, 3 साल पहले यहाँ पे शादी किए हैं, हम मेरा घर छोड़ के यहाँ पे आए। तो मेरा घर छोड़ के आया था ना? ठीक है, तो आप तुम एक लड़का हो ठीक है, हम एक लड़की है। लड़का हो तो लड़की? अरे मैडम जी एक बात हो, तो आप लड़की हो ठीक है, मैं मानता हूँ ठीक है, आपका बच्चा नहीं हो रहा, ये क्या मतलब, इससे सोल्यूशन हो जाएगा आपका? आप इनसे तलाक तलाक चलो ठीक है मान लेते, ये तलाक दे देते, फिर तलाक देके क्या आप किसी और से शादी करोगे? आप किसी और से शादी करोगे? हाँ, हम किसी और से 3 साल इसके साथ में रहो, 4 साल किसी और के साथ में रहोगे? शादी कर लेंगे। बदतमीजी मत कीजिए, पहले बता रहे ठीक है, बदतमीजी मत कीजिए। आप पहले सबसे बड़ा गलती कर रहे हो कि भगवान के सामने आके उनके सामने झगड़ा कर रहे हो, सोसाइटी को खराब कर रहे हो आप। सोसाइटी यहाँ पे कोई नहीं देख रहे ठीक है, यहाँ कोई नहीं देख रहा, ये घर नहीं, अगल बगल यहाँ भी घर है उधर भी घर है, ठीक है कोई बात नहीं है, मेरा मर्जी है, हम लोग समझ। ये बताओ आपको देख के और लड़का लोग का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें मतलब पढ़ने दीजिए ना, हमको कोई इसमें लेना देना नहीं है ठीक है। आप यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, बोलिए ना, आप जाइए ना। अच्छा बच्चे मेन क्या प्रॉब्लम है, बच्चा का प्रॉब्लम है? मेन बच्चे का प्रॉब्लम है तो आप में भी तो प्रॉब्लम हो सकता है, आप इनको ठहरा रहे हो कि इनका प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बोले ना कि पहले हम डॉक्टर दिखा दिए, हम पूरा टेस्ट करके दिखे है कि मेरा में कोई भी गलती नहीं है, तो इसीलिए बोले। और ये सब बात हम आपको क्यों बोलने जाएंगे? अच्छा कैसे हम मान लेंगे भाई आपका प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सब बात आपको क्यों बोलने जाएंगे हम? अच्छा आपको क्यों बोलने जाएंगे? हाँ, तो वही तो बोल रहे कि ये भाई ये चीज कितना दिन से प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है? अरे ये तो प्रॉब्लम 3 साल शादी हुए ठीक है, 3 साल में आज बोल रहे हैं हम तो तलाक चाहिए। हम बोला किस चीज का तलाक चाहिए, बोले नहीं बच्चा नहीं हो रहा। अरे बच्चा नहीं हो रहा तो कोशिश तो कर रहे हैं ना, नहीं, नहीं, मेरा मर्जी है, हम दे सकते हैं, वो तो भगवान तो दे दो। तुम उसको बुला के लाए? अरे नहीं हम तो वो मेरे को नहीं बुला मैडम, पहली बात पकड़ना भाई, मतलब बीच में आके पहला बात मैडम देखो, मेरे को इन्होंने नहीं बुलाया ठीक है। तो ये आप क्या दूसरे घर में भी जाके झांकते हैं? ये दूसरा, ये आपका घर है? घर नहीं, ये पहले बताओ ये आपका घर है? ये आपका घर है? ये आपका घर है? ये मेरे को जवाब दो, आपका घर है? ये भगवान का घर है ठीक है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, भगवान ने किसी को मना नहीं करा। वो तो बात सही है, लेकिन आपको वो नहीं बोल रहे कि आप बीच में क्यों पड़ेंगे, हम लोगों का आपस का मामला है। नहीं तो आपका आपस का मामला, पहला बार जब आपका आपस का मामला है तो भाई आप अपने घर पे लड़ाई करो, ये क्या मतलब हुआ? मंदिर के सामने खड़े हो गए हो, सोसाइटी खराब कर रहे हो आप। यहाँ पे हम शादी किए थे, यहाँ पे हम रिश्ता टूटेंगे ठीक है, और कुछ नहीं। 3 साल हम उसके साथ रहे, या 3 साल बाद हम बोले ना कि भाई आप यहाँ से, हम अभी भी आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं कि यहाँ से आप जाइए। मैम पहले बता रहे, मैं ये आप सोचिए कि मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप मेरे को नहीं जान रहे हो, मैं कौन हूँ? तो कौन है, क्या कर लेंगे आप बोलिए? बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप मेरे को नहीं जान रहे हो ठीक है। क्या कर लेंगे ये दोनों? ये बताओ आपस का मामला ठीक है, आप इनकी बीवी हो या आपके हस्बैंड है, मैं मानता हूँ आपका प्रॉब्लम है, आपका घर का प्रॉब्लम, मेरा कोई हक नहीं बनता बोलने के लिए। हाँ। बट आप भगवान के घर के सामने आके झगड़ा कर रहे हो बच्चे के लिए है? आपने 3 साल पहले यहाँ पे इनसे लव मेरे शादी भी करा, घर अपना छोड़ के आया, ये भी भाई ने अपना घर छोड़ के आया। हाँ। पहले तो आप लोग उस टाइम गलती सुनो, पहले गलती आप लोग ये करा ठीक है कि घर छोड़ के भाग के जाके शादी कर लिया। हाँ, सबसे तो बड़ा गलती है, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तो घर छोड़ा ना, इसने तो इसने भी तो अपना फैमिली छोड़ा ना। हाँ, भाई ठीक है, तो 3 साल हो गए तो इसका वो नहीं है कि ये बच्चा दे पाए हमें। अच्छा तो ये इसका बच्चा हम दे के भगवान दे, हम तो कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये तो बोल रहा है ना कि अच्छा एक बात, अपना दिखाया, इसको कभी दिखाया तुमने? एक बात, अभी आप बोल रहे बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं, अगर ये घर पे बैठ जाए ठीक है, आपको देखने लगे, कमाएंगे नहीं तो आप बोलोगे ताना मारोगे, कमा नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ऐसा बात नहीं है, देखिए यहाँ पे ना बहुत सारा इंसान है कि हर कोई काम भी करते हैं
कोई घूमने भी जाते हैं, ठीक है, ये सारा दिन रात काम काम करते करते 3 साल में हो गए, यहाँ से हम लोग कहीं पे निकलने के लिए नहीं गए हैं, ठीक है, कहीं पे गया नहीं है। तो आप बोलिए, इस तरह से कोई रिश्ता रहता है? आप बोलिए, अच्छा, सिर्फ काम करने से, पैसे अच्छा, देने से हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो मानते हैं कि भाई का गलती है, इनके वजह से बच्चा नहीं हो, ठीक है, आपका बच्चा इनके वजह से नहीं हो, हाँ। आप इनसे तलाक ले ले रहे हो, हाँ। ठीक है, आपका कहना है कि दूसरा शादी करेंगे, हाँ, मेरा बच्चा होगा, हाँ। हाँ। दूसरा शादी करेंगे तो बच्चा होगा, हाँ, अगर उससे नहीं हुआ बच्चा तो फिर कैसे क्या करोगे? नहीं, उससे होगा, हम जानते हैं कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं दिखा के आई हूँ, ठीक है, रिपोर्ट करके ही हम देखे हैं कि मुझ में कोई इशू नहीं है। आपने कोई इशू नहीं, नहीं। सारा इशू इनके में? हाँ, तो मेरे में कोई इशू नहीं है, तो हम तो उसके साथ ही रहते हैं, तो उसका ही इशू होगा ना, हम तो दूसरे लड़के के साथ नहीं सोते हैं ना, तो उसके साथ ही तो रहते हैं। तो भाई साहब, आप इनके साथ में रहते हो, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं रहते हो, मैं ये तो नहीं बोल रहा आप नहीं रहते हो। मेरे में अगर हम दिखाए हैं डॉक्टर, तो हमें अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें ही प्रॉब्लम आएगा, और इससे तो मतलब काम से फुर्सत मिलेगा तब ना उसका टाइम होगा डॉक्टर के पास जाने। जाएंगे, बोले थे जाएंगे, ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं। आपको बहुत कुछ पहले से नहीं बोलेंगे, बोल के बोल के आपको बहुत कुछ बोल दिए, ठीक है भैया, अभी आप जा सकते हैं, ये दोनों का मैटर है, हम लोग मतलब समझ लेंगे। अच्छा, आप दोनों का मैटर है, आप लोग समझ लो। हाँ, एकदम एकदम, आप जाइए यहाँ से। ऐसे क्यों कर रहे हो? चलो पहले तुम नीचे आओ, नीचे नीचे नहीं जाएंगे हम। बोल रहा हूँ आने को। क्यों? पहले तो आने को बोल रहा हूँ, आप दिखा रहे सब, वीडियो कर रहा हूँ। हाँ, तो वीडियो कर रहा हूँ, जाके एक बार सर्च कर लेना फेसबुक और यूट्यूब पे वर्ल्ड ऑफिशियल, ठीक है, ठीक है, आप जैसे हम बहुत लोग, ठीक है, ठीक है, बहुत लोग को देख लेना, पहले नीचे आओ। हम नीचे नहीं, नीचे आओ, बोल रहे, नीचे आओ, पहले नीचे आओ, चल इधर आओ, इधर आओ। क्या होगा बोलिए, ये सब करके ये वीडियो में नहीं आ रहे, बोले ये वीडियो नहीं देख रहे कि आप एक लड़की को जानते नहीं, पहचानते नहीं, हम नहीं जानते, आप उसका हाथ नहीं पकड़ रहे, आप बोलिए ना, आपको आप, इसमें कोई आप मैटर नहीं है, ये आपस का हम लोगों का मामला है। आप पहली बात की गलती कर रहे हो, ये भाई आपसे मनाने का कोशिश कर रहा है काफी दिन से, आप मंदिर में आके मना लिए उसको, उसको बहुत टाइम दे दिए और हम टाइम नहीं दे पाएंगे, इधर लेके आने से क्या होगा, क्या होगा, फायदा क्या है, क्या फायदा है? अभी तो मेरे को नहीं जान रही है अच्छे से, ठीक है ना? हाँ, तो क्या होगा तुम्हारे लड़कियों को ना, सीधा करा है मैंने, हम आप जैसे बहुत किसी को देख लिया और नहीं देखना है, ठीक है, आप जैसे आए हैं वैसे चले जाइए, आप जैसे आए वैसे चले जाइए। हाँ, एकदम भाई, इससे क्या कोर्ट मैरिज करा है? कोर्ट मैरिज नहीं करा है? नहीं, क्यों नहीं करा अभी तक कोर्ट मैरिज? इसीलिए तेरा हक बन गया ना छोड़ने का, गलती तेरा है, तुझे कोर्ट मैरिज करना चाहिए, कभी जिंदगी मेरा गलती है, वही तो सोच रहे अभी, बोले चलो मंदिर में शादी कर लेते, शादी कर लिए, घर बस छोड़ के आ गया। तुम्हारा गलती, तुम्हारे गलती के वजह से। अगर कोर्ट मैरिज भी हम कर लेते, कहाँ पे लिखा है कि कोई लड़की का अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसका पति से तो वो अच्छा, आपको मारता है? नहीं मारता है? नहीं है। गाली देता है? नहीं है? नहीं देता। फिर इसका क्या गलती है? हाँ, जब तो आपसे ये नहीं, जब मतलब उसका हक नहीं है, टाइम आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो क्या उसका मतलब आप तलाक दे दोगे? हाँ, तो क्यों, सारा खत्म कर दोगे एक ही बार में? 3 साल से ये मतलब मेरा पति है मेरे साथ, हमको ये फील नहीं होता है कि ये मेरे पास रहता है, मेरे साथ रहता है, काम भी करना पड़ता है ना, पैसे लेके दे ना, वो हमसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी रह पा रहे हैं, उसके बिना भी हम रह पाएंगे, उसके घर में हम जब रहते हैं तो उस आपने इसको ना जो आप थप्पड़ मारते रहते हैं ना, ये हरकत नहीं करते, हम तो उसे जो मतलब गला दिखा के आवाज निकल के ऐसे बात कर रहे हैं, ये आपको अच्छे लग रहे हैं? ये भी तो वीडियो में चल रहा है ना कि आप ऐसे कोई अनजान लड़की से ऐसे बात कर रहे हैं, और क्या गलती है, वो लोग भी तो देख रहा है भाई, कमेंट करके गाइस बताओ कि गलती किसका, मेरा गलती है या इसका गलती है? तो बोलिए, हाँ, सब लोग देख रहा है, लाइव देख रहा है, सब लोग देख रहा है ना, आपको भी तो देख, हाँ, मुझे भी देख रहा है, मुझे जानता है अभी लोग, वो लोग जानता है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, ये सब कर पाएंगे, हम लेके तो मेरे साथ आई ना, इसको दोष नहीं दो, ठीक है, इसको दोष नहीं दो, तो ये तो मेरे को जानता भी नहीं है, तो आपको है? मतलब कि आपसे इसमें क्या लेन देन है, हम इसके साथ मेरा एक ही कहना है कि सारा सर आपका गलती, आपका बच्चा पहले डेट तो करा, ये हम लोग दोनों समझ लेंगे, आप क्यों बोलेंगे, हम लोग क्या समझ लोगे, समझ में नहीं आ रहा एक बार में, हम बोले समझाओ, क्या समझाओ,
क्या ज्यादा से आना मत मल हाथ लग रहा है वो हाथ लगा रहा है इधर मेरे से बात कर मैं हाथ लगा रहा हूँ इधर इधर मैं हाथ लगा रहा हूँ मैं हाथ लगा रहा हूँ मैं हाथ लगा रहा हूँ हाथ लगा दिया बता क्या करेगी तेरे सामने कोई गैर लड़का हो के हमको हाथ लगा रहा है इसमें ये प्यार करती है गलती भी तो तुम्हारी है ना गलती भी तो तुम्हारी है ना तुम जानते ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं तू नहीं मानेगी रुक पुलिस को कॉल करता हूँ पुलिस के कॉल करके क्या फायदा पुलिस को कॉल करता अभी तुझे समझ में आ जाएगा नहीं 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 तुमसे रहते हुए कोई गैर रुक जा रुक जा रुक जा तू ऐसे नहीं मानेगी पकड़िए पुलिस कॉल लगा जल्दी लगा गलती भी तो तुम्हारी है ना गलती मेरा क्या नहीं नहीं अभी कॉल लगेगा टेंशन यू जो देख रही है ना सुन तुझे मैं बता रही हूँ जो देख रही है ना है ये लाइव चल रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे लाखों लोग तुझे देख रहे हैं ठीक है लाखों लोग तुझे देख रहे हैं आप मेरे मतलब कि अंजल लड़की के गांव में हाथ भी लगाए कॉल लगा ना पुलिस कॉल लगा ऐसे नहीं माने कॉल लगा जल्दी ये भी वीडियो हुआ है कि आप मुझको टच किए हैं कॉल लगा दिया हेलो तेरे रहते हुए कोई गैर मर्द होके इसमें यहाँ पे हमको थप्पड़ दे रहे हैं ये कौन होते हैं असल ये कौन होते हैं तुम्हारा ही तो गलती है ना फोन वोन ऐसे क्या करे ऐसे करके क्या होगा ऐसे करके पुलिस को फोन करके आप जिसको भी फोन कर रहे हैं फोन कीजिए हेलो कहाँ पे है सर आप जी जी मैं बात कर रहा हूँ देखिए यहाँ क्या होगा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है आपको क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा है सारा गलती तुम्हारा है अरे सर मैं क्या बताऊँ मैं कहीं जा रहा था और ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है ठीक है ऐसे कुछ मत कीजिए सच बता मेरे को तो इसमें क्या फायदा आप बोलिए ना आपको क्या फायदा है इतना बदतमीज है देखिए आप छोड़ो मोबाइल छोड़ो क्या कहाँ पे सर सच मुझे बताना कॉल करने के लिए मत बोल ठीक है सर मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ठीक है नहीं सामने गैर मर्द होके तेरे ही सामने ऐसे करके मेरा थप्पड़ लगा रहा है हमको उसमें तेरा कोई दिक्कत नहीं ये प्यार करती है ना 3 साल से तू तो प्यार करते गलती भी तुम्हारी है ना गलती बाहर आदमी आके वो भी समझ रहे गलती तुम्हारी है हाँ तो इसमें तू कभी भी मेरे गाँव पे हाथ नहीं दिए है तो वो दे देगा तो गलती भी कर रहे हो ना तो तुम हमको छोड़ कर रहे हो सुनो ये तुम अच्छा ठीक है चलो ठीक है गलती मैं मानता हूँ ठीक है हाँ। मैं मानता हूँ तेरे का हाथ दिखाया मेरा कोई हक नहीं बनता बोलने हाँ। मुझे रीजन बता दे भाई क्या मैं एक बात बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई मैं क्यों तुम्हारे बीच में इंटरफेयर तुम लोग गलत कर रहे थे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है आप लोग यहाँ पे गलत कर रहे थे ना हमको कर रहे थे कि नहीं प्रॉब्लम मुझे बता दो आप मेरे को कोई दिक्कत है ना मैं पुलिस से बोलूंगा ना कोई दिक्कत है किसी को नहीं बोलूंगा मेरा काम ही यही है मैं लोगों का मदद ही करता हूँ मेरे को शौक नहीं लगा है मेरे घर मेरी फैमिली है ऐसे रोड पे आके ना रंगा नाच नहीं करते हैं प्यार करते हो यार प्यार करते तो क्या मतलब है जब मन करे प्यार किए जब मन करे घर छोड़ दिए घर छोड़ के भाग के शादी कर लिए हो गया खत्म बात एक मिनट भैया आपको एक बात बोले उसका भी तो हम देख लिए इधर आओ आप प्यार करते हो ना इधर ले क्या भगवान जी की कसम खा के बताओ क्या इसके साथ प्रॉब्लम क्या है आप इसे प्यार नहीं करते हो कसम खा के बताओ मेरे को क्यों बोलने जाएंगे नहीं कसम खाओ क्यों बोलने जाएंगे क्यों क्यों जब आप भगवान जी के पास आओ कसम खाओ क्या आप इसे प्यार नहीं करते हो खाओ कसम खाओ क्यों क्या मतलब आप प्यार करते हैं है? तो क्यों जब आप प्यार करते हो इससे तो ऐसा क्यों कर रहे थे आप तुम्हारे लाइफ में हम इंटरफियर करे हैं अनजान व्यक्ति ये समझ के ठीक है तो आप मेरे को मारो आपकी बीबी पे मैंने हाथ उठाया ना गाइस अगर मेरे में गलती है ना तो आप कमेंट करके बताओ कि हमने इन लोगों के साथ गलत किया मैं तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया भाई क्यों यहाँ पे लोग भी है फैमिली है सब लोग है मैंने देखा गलत होते इसलिए मैं आया ना अब प्रॉब्लम बताओ इनको हम बोले ना फेस करो बताओ मेरे को रियल क्या प्रॉब्लम कसम खाने के लिए यहाँ पे आप शादी करे हो भगवान जी के सामने शादी करे हो तो सच बताओ ना तो वही तो बोल रहे हैं कि हमको उसको बस डराना था क्या मतलब डराना था कि वो ऐसे डराता है आदमी को छोड़ के ऐसे डराता है क्या मतलब है डराना था बस कि क्या डराना था जैसे हमको काम जोर से बोल आवाज नहीं आ मतलब कि काम से हमको मतलब ये जो टाइम नहीं दे पा रहे तो इसके बाद वो टाइम दे पाएगी या नहीं दे पाएगी इसीलिए और कुछ नहीं
हमको बस यही बोला। ऐसे डराते तुम जानते नहीं क्या करेंगे हम मेरे पास तो कोई और चारा भी तो नहीं था ना इसके सिवा। जितना दिन एक बात बताओ, आप डरा रहे थे ठीक है, मैं मानता हूँ डरा रहे थे, अगर ये भाई गुस्सा हो गया कुछ तलाक दे देते तो क्या करते क्या करते अकेले ही रहते। देखिए भैया हम एक ही लड़के के तरफ था, उसको छोड़ के हम किसी के तरफ आंख भी उठा के आप किसी को देखते नहीं हो, लेकिन यहाँ पे पब्लिक के सामने आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लोग देख रहे हैं। आप बोलिए ना, तीन साल में अगर ये सब अच्छा, करने बात बता ये जो बात सच बोला है कि आपके वजह से आपका बच्चा देख कर रहा था। हाँ ये बात प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या आप बोलो ये करेगा क्या, आपको रियल प्रॉब्लम क्या आपको, आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। आप मेरे सिस्टर जैसे हो ठीक है, मुझे कोई हक नहीं है ना कि किसी अनजान लड़की को मैं हाथ उठाऊं चाहे गाली बोलूं चाहे उल्टा सीधा बोलूं। भाई मेरा कोई शक नहीं है, मैं ऐसा काम ही करता हूं कि मुझे पढ़ना पड़ता है। भाई मैं लोगों का मदद करता हूं यार, आप मेरे चैनल सर्च करके देखना वर्ल्ड ऑफिशियल ठीक है, पता चल जाएगा मैं कैसा लड़का हूँ। नहीं ठीक है देखिए हम एक आप बात ये चीज ना आप ये चीज अपने घर पे अच्छे से इनको बैठाते टाइम से बात तो करते। तीन साल से भैया उसको समझा रहे, उसको कितना बार बोले, आप बोले ना किसी पत्नी का ये एक सिर्फ हक ये हक नहीं होगा कि वो किसी भी जगह लेके जाए। मैं समझ सकता हूँ भाई, आप इनको शादी करे नहीं करे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, साथ में लेके चल रहा हूँ, आप करोगे ना कोर्ट मैरिज इनसे? नहीं देखिए भैया हम लोग ऐसे ही अच्छा है, ये चीज गलत है। कोर्ट में चलो ठीक है, कोर्ट में चल के कोर्ट मैरिज दोनों शादी करो ठीक है, कि आज के बाद कभी ऐसा आप लोग नहीं करोगे ठीक है। एक एप्लीकेशन लिखो, देखो लाइफ में अगर आपका लाइफ है ना तो बच्चा होते रहेगा ठीक है, आप अपना फैमिली छोड़ के भागे ना, माँ बाप को छोड़े जिंदगी भर जिसने पाल पोस के बड़ा किया उसको छोड़ के भागे आप ठीक है, भागे ना, इसने भी माँ बाप को छोड़ा ना, माँ बाप परेशान, माँ बाप का सर झुकाया, सब चीज आप लोगों ने गलती करा। अब जब आप लोगों ने सारा चीज गलती करते हुए भी फिर तीन साल रिलेशन में आके आप लोग छोड़ा छाड़ी करेंगे तो ये चीज सही नहीं है ना भाई। अब प्यार से रहो ना, प्यार से रहो, अगर इनको प्रॉब्लम है, इनको बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये टाइम नहीं दे पा रहे तो भाई ये आपके हस्बैंड है, पूरा हक है डांटने बोलने का हक है आपको, आप बोलो इनको समझाओ तो समझाओ, प्यार से भी बात सॉल्व हो सकता है, समझाने उसको कि हम कितने बार बोले हैं कि कहीं यहाँ पे जाइए, क्यों नहीं आप टाइम दे रहे, अरे ऑफिशियल काम है ठीक है भाई, आप थोड़ा सा इनको भी टाइम दो, थोड़ा वहाँ भी टाइम दो, आज के बाद ऐसा अगर ये आपको टाइम दे आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगे ना, कसम खाओ यहाँ पे, कसम खाओ दोनों, हम कसम खाए इधर लेके आओ, कसम खाओ, इसमें भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ठीक है, कसम खाओ दोनों, कसम हम कसम खा के बोल रहे हैं और कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे, अगर तुम टाइम देगे तो मतलब देंगे दिमाग खराब हो गया जब सोचते ना तुमको छोड़ देंगे ना, तुम तो जानते ना तुमसे कितना मोहब्बत करते हैं, वो बस सही है लेकिन एक रिश्ते में टाइम देना ये बहुत कमाना भी तो पड़ता है ना। हाँ लेकिन हमें पैसा हम जैसे भी करके रह जाएंगे लेकिन हमें बस टाइम देना है, सारा दिन नहीं है कुछ ठीक कुछ है भी ठीक है, ये चीज आप लोग दोनों ठीक है, आप लोग दोनों एक एप्लीकेशन बनेगा ठीक है, उस पर आप लोग सिग्नेचर दोनों का रहेगा, कोर्ट में चल के दोनों पहले कोर्ट में शादी करो, मैं करवा रहा हूँ शादी ठीक है, गाइस इन दोनों को मैं लेके जा रहा हूँ अभी ठीक है साथ में ही, और कोर्ट में लेके जा रहा हूँ, जो भी चीज़ लगेगा सारा चीज़ मैं करूँगा इन लोग के साथ, इन लोग का कोर्ट में शादी करूँगा, और मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कि आप लोग ऐसा मत करो, अगर आप अपने फैमिली को छोड़ दिए हो सबको मतलब प्रॉब्लम दे के फिर आप शादी कर लेते हो फिर तलाक का बात करते हो, बच्चे की वजह से आप छोड़ना चाहते हो कि दूसरे शादी करें, भाई आप तो शादी कर लोगे लेकिन फिर उसके साथ प्रॉब्लम वही आया फिर किसी और से शादी करोगे, तो भाई इससे बढ़िया है कि प्यार करो ही मत किसी से, सबसे बेस्ट है अगर ये आज अपने फैमिली के सपोर्ट्स की वजह से शादी करते तो आज ये इतना दिक्कत नहीं आता, इनका फैमिली इनके साथ खड़ा रहता, इनका फैमिली समझाता, लेकिन कौन समझाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ठीक है, कि और लोगों के पास पहुँच सके, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग देख सके क्या ये चीज़ भी हो रहा है अपनी दुनिया में।
बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इन लोगों के साथ में लेके जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग ये पहनो और चलो मेरे साथ में चलो। इन लोगों को फोटो में लेके जा रहा हूँ और वीडियो को प्लीज जितना हो सके उतना रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिए कि और लोगों के पास पहुँच सके ये वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।